गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है संख्याएं 1 से 10। हमने संख्याएं सीखी 1 से 10 तक, उन्हें कैसे बनाया जाता है वो सीखा, ठीक है। अब मैं आपको पहले 1 से 10 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना सिखा रही हूँ और उसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो सिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ संख्याएं बोलनी हैं और उन्हें लिखना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताइए मैंने कौन कौन सी संख्याएं सीखी, बोल के बताइए मुझे एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये संख्याएं हमने सीखी 1 से 10। इसी तरीके से इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारी संख्याएं थी 1 से 10। पहले मैं आपको इसके शब्दों में कैसे लिखा जाता है वो और इसको इंग्लिश में किस तरीके से स्पेलिंग लिखेंगे वो बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहां है संख्याएं, फिर आपको लिखना है शब्दों में। और फिर है नंबर नेम, तो पहली संख्या क्या आती है हमारी 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसे लिखना है शब्दों में, यानी इसका नाम लिखना है, जैसे आपका नाम लिखते हो ना आप लोग, उसी तरीके से हिंदी में इसका नाम लिखना है। तो 1 लिखेंगे, AZD वाला A और क, 1, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है 1 और 1 की स्पेलिंग होती है O N E, 1 क्या होती है O N E 1। दूसरी संख्या हमारी आती है 2, कौन सी आती है 2, 2 को हिंदी में कैसे लिखेंगे या शब्दों में कैसे लिखेंगे, द से दवात द और ओ की मात्रा, तो ये हुआ 2, ठीक है। 2 को इंग्लिश में कहा जाता है 2 और 2 की स्पेलिंग होती है T W O 2, क्या होती है T W O 2। अगली संख्या देखिए 3, कौन सी होती है 3, 3 को लिखेंगे त से तरबूज, बड़े की मात्रा ती और न से नन, 3, 3 को इंग्लिश में बोला जाता है 3, THREE 3, ठीक है, THREE 3। 3 के बाद हमारी संख्या आती है 4, या 3 के बाद संख्या आती है 4, 4 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, च से चम्मच, आ की मात्रा चा, र, 4, और 4 को इंग्लिश में कहा जाता है 4, FOUR 4, क्या होता है FOUR 4 और हिंदी में 4, ठीक है। इसके बाद में हमारी संख्या आती है 5, कौन सी आती है 5, 5 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, प से पतंग, प, आ की मात्रा और च, ऊपर चंद्र बिंदु, 5, 5 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 5, क्या बोलते हैं 5, FIVE 5, क्या होती है
FIVE 5। ठीक है, अब देखिए 5 के बाद में या 5 के बाद में जो हमारी संख्या होती है वो होती है 6। कौन सी होती है? 6। और 6 को हम लिखते हैं 6 से 6 और 2 हलंत आगे, ठीक है, दो बिंदी लगाने हैं 6। इसको इंग्लिश में बोला जाता है 6, SIX 6। क्या कहा जाता है? 6, SIX 6। इसके बाद में हमारी संख्या आती है 7। ये बना 7। 7 कैसे लिखेंगे? स स स्लेट आकी मात्रा और त। 7, 7 को इंग्लिश में कहा जाता है 7। 7 की स्पेलिंग होती है SEVEN 7। ये हमारा इस लाइन तक फिल हो चुका है, अब हम वापस से आगे लिखते हैं। यहाँ लिख दी संख्या, शब्दों में और नंबर नेम। अब देखिए 7 हमारा हो चुका है, 7 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 8। मैं लिखेंगे 8। 8 को हिंदी में या शब्दों में कैसे लिखते हैं? अ से आम आ और ठ से ठठेरा ठ। 8 क्या हुआ? 8। और 8 की स्पेलिंग होगी इंग्लिश में 8, यानी इंग्लिश में बोलेंगे 8, EIGHT 8। क्या होगी? EIGHT 8। ठीक है, 8 के बाद में नंबर आता है हमारा 9, यानी 8 के बाद में जो संख्या आती है वो है 9। ये है 9, और 9 को कैसे लिखते हैं? न से नल औ की मात्रा 9। ठीक है, 9 को इंग्लिश में बोलते हैं 9, NINE 9। और आपकी आखिरी संख्या है 10, 10। 10 से दवात और स से स्लेट स 10। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है 10, TEN 10। ठीक है, तो ये हमारी संख्या हुई अंकों में और शब्दों में, और उसको इंग्लिश में भी हमने नंबर नेम लिखा। एक बार देख लीजिए, एक को इंग्लिश में बोला 1, तो पहले हिंदी में बोल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब आपको कॉपी में क्या करना है होमवर्क के अंदर? कॉपी में आपको इसी तरीके से एक टेबल बनानी है। टेबल मतलब ऐसे लाइनें खींचनी, संख्याएं शब्दों में और नंबर नेम। आपसे नहीं बनती है तो अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि वो आपको लाइन खींच के दें। ठीक है, और ऐसे कॉलम बनाकर पहले आप संख्याएं लिखेंगे 1 से 10, फिर उसे हिंदी में बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1, 1, 2, 3, और फिर नंबर नेम लिखेंगे इंग्लिश में इस तरीके से ONE 1। आपको पूरा याद करना है स्पेलिंग के साथ, ONE 1, TWO 2, THRE 3, पूरा 10 तक, 1 से 10 तक को हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश में भी याद करना है। यही आपका होमवर्क है, जो आपको वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, और उसे याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।